यूपीपीसीएल सब से मेरे स्टूडेंट और बच्चे बात कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे सले बस कुसम शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। आज किस वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी यूपीपीसीएल जेई का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है 28 मार्च को, फिर इसको 29 मार्च को, उसके बाद आज है 30 मार्च। तो आज के दिन भी पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि देखेंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ से राइज हुआ है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में हम लोग देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही अपडेट्स वगैरह दिए जाएंगे। अभी और भी चीजें आने वाली है, तो प्लीज अभी चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज इस चैनल पर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। तो अगर हम आपको बता दें तो हमने बहुत से स्टूडेंट से बात की, बात करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपके लिए हम थोड़ा सा ऑडियो लगा देंगे, इस ऑडियो को सुन लीजिएगा, लेकिन ऑडियो में जो हमने बात की है उसको हम यहाँ से बोल के बता देंगे, क्योंकि इससे टाइम टेकन कम हो जाएगा, ठीक। नहीं तो अदरवाइज जैसा समझ सकते हैं यूपीपीसीएल पेपर की तरह टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा, लंदी हो जाएगा हमारा वीडियो। सो आप इस ऑडियो को थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। ये बताइए कि पेपर कैसा आया था? पेपर अच्छा था, आया था। अच्छा, क्या क्या पूछा गया था? सब में से सर था, सभी में से था। पेपर कैसा लग रहा था कि सिंपल लग रहा था? जैसा नहीं था, लेकिन ये बात है कि हम लोग पूरा पढ़ ही नहीं पाए थे। अच्छा अच्छा, पूछा सब में से, सब हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? सब में से, मतलब पीएलसी में आया था, सब सिंधिया में आया था, और आयुर्वेदिक आया था, सब में से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन। तो आपको पूछा गया होगा कि हाँ, हमने जांच पड़ताल करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो आपको बता दें कि देखिए, आपका जो पैटर्न है वैसे ही फॉलो हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट से फॉलो होता आ रहा है, मतलब हर जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन पीएलसी स्काडा माइक्रोकंट्रोलर से क्वेश्चन 9 के बराबर आ रहे हैं। दो तीन क्वेश्चंस आए हैं 30 मार्च वाले पेपर के फर्स्ट शिफ्ट में, 3 से 4 क्वेश्चंस बस आए हैं पीएलसी स्काडा माइक्रोकंट्रोलर से। उसके बाद एज यूजुअल इस बार मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो कि फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट था, वहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन पूछा गया था, लेकिन यहां पर कैलकुलस और इंटीग्रल दोनों पूछा जा रहा है। और उसके बाद बेसिक से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मशीन से 8-10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद पावर सिस्टम से, जिसमें कि आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एसजीपी, यूटिलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं 8-10 क्वेश्चन मिला करके। तो इस तरह से ऑल ओवर हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि डिजिटल से बहुत कम क्वेश्चन मिल रहा है, 1-2 के बराबर, और एनालॉग से क्वेश्चन 1-2 मिले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, आपको बता दें जैसे कि थोड़ा सा सेकेंड शिफ्ट 29 का सेकेंड शिफ्ट में बता दें कि बहुत ज्यादा वहां पर फिगर देकर के क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कौन सा फिगर है, लेकिन 30 मार्च वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन कम देखने को मिला है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर किस तरह से आ रहा है। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आपको बता दें, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था, आई मीन टू से कि जो 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, दैट इज वेरी हार्ड, मतलब वो बहुत हार्ड है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर हार्ड था 28 मार्च का। उसके बाद 29 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी नियर अबाउट मॉडरेट था, लेकिन जो सेकेंड पेपर था, 29 मार्च का सेकेंड पेपर जो था, वो बहुत ही इजी था, मतलब वो इजी था। वहां पर जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं, सबसे हमने बात की है, मतलब सबसे नहीं बात की है, उन्हीं से कुछ लोगों से बात की है जो कि एग्जाम दिए हैं, जो हमारे संपर्क में है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पेपर बहुत इजी आया था। हमको लग रहा था कि नहीं, बहुत ही इजी पेपर डिजाइन किया गया है। वहां पर कोई भी क्रिटिकल ऑप्शंस वगैरह भी नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट डे वाले फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कौन गलत है, और उसमें पूछा गया था 29 वाले सेकंड शिफ्ट में कि कौन सही है। तो इस तरह से डिजाइनिंग जो है कि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थी, और क्वेश्चंस भी सिंपल थे, स्टूडेंट लोग बता रहे हैं। उसके बाद अगर हम 29 के बाद थर्ड मार्च वाली बात करें, तो थर्ड मार्च को भी बता दें तो पेपर इजी आया। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर इजी आया है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं वो बता दें नहीं, पेपर इजी है, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि नहीं सिंपल है।
इस तरह से है, तो समझ सकते हैं कि हार्ड हमको लग रहा है कि सबसे अधिक हार्ड होगा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट डे का पेपर मॉडरेट हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है कि यही आपका फॉलो, क्योंकि जिस तरह से हमने बहुत लोगों से बात की और वहां से जो रिस्पांस मिला है, जो रिप्लाई मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सब चीजें बता दें आपको। और आपको बता दें, जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बहुत ही इजी आ रहा है, मतलब कि जो 30 मार्च का एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें भी रीजनिंग इजी आया था। उसके बाद आपका जीएस जीके भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था और हिंदी भी इजी आया था। लेकिन अगर 28 मार्च की बात करें तो 28 मार्च के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में रीजनिंग वगैरह और हिंदी वगैरह भी बहुत ज्यादा टफ था, जीएस जीके भी टफ था। तो आपको बता दें कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है वो हार्ड है और बाकी दिनों का पेपर इजी है। और आपको बता दें कि 29 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर थोड़ा हार्ड है, मतलब मॉडरेट कर सकते हैं, बाकी 29 का सेकेंड शिफ्ट और 30 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट अभी एग्जामिनेशन हो चुका है, तो यहाँ तक हमको पता चला है जिस तरह से, उस तरह से हमको लग रहा है कि ये पेपर इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि स्टूडेंट लोग रिप्लाई दे रहे हैं जिस प्रकार से, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारा रिव्यू समझ में आया होगा। और हाँ, स्टार्टिंग में वो छोटी सी हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी मीम्स यूपीपीसीएल ग्रुप पर, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, और रिव्यू कैसा लगा उसको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करिएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म, जय हिंद वंदे मातरम। स्टूडेंट्स प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए, कम से कम व्यूज अच्छा खासा आना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बहुत जल्दी हम बहुत सारे, तो आप जल्दी इसको थोड़ा सा ग्रो करवाइए चैनल को, तो हम कुछ अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा भाई, शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।